and I. फाइनली गाइस, बॉलीवुड का किंग खान शाहरुख खान 4 साल के बाद कमबैक कर रहा है बॉलीवुड की मोस्ट वेटेड फिल्म पठान के साथ। उसी पठान मूवी का टीजर आ चुका है। लो बात करते हैं पठान फिल्म के टीजर के बारे में। वैसे टीजर 1.5 मिनट से भी कम का है, जिसमें कैरेक्टर इंट्रोडक्शन और एक्शन ही एक्शन देखने को मिलता है बस। और ये पता चलता है कि इसमें SRK, दीपिका और जॉन अब्राहम के लुक्स इस मूवी में कैसे होंगे, जिसमें शाहरुख खान का लुक एकदम ब्लास्टर लग रहा है। और साथ ही इस टीजर में जो एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए हैं वो तो नेक्स्ट लेवल लग रहे हैं, एकदम घूस बम देने वाले, जैसे ट्रक वाला सीन या फिर आइस राइडिंग वाला। और SRK खुद ग्लाइडर वाला सूट पहनकर उड़ने वाला सीन हो या बाइक स्टंट सीन हो, तो ऐसे तो ये कंफर्म हो जाता है कि इस मूवी में एक्शन हॉलीवुड के टक्कर का है। और साथ में दीपिका एंड शाहरुख खान की लव केमिस्ट्री भी शायद इस फिल्म में देखने को मिले और दीपिका का भी एक्शन देखने को मिलेगा। इसमें जॉन अब्राहम का सूट वाला लुक जो है वो किसी सुपर हीरो सूट से कुछ कम नहीं लग रहा। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो जॉन अब्राहम एक विलेन के रोल में होगा। वैसे ये फिल्म यशराज फिल्म के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसमें एकता टाइगर टाइगर जिंदा है और वार फिल्म के बाद पठान 4th स्पाई थ्रिलर मूवी होगी। एंड आगे चल के इन सारे मूवीज के कैरेक्टर यशराज फिल्म के अगले किसी प्रोजेक्ट में पक्का कनेक्टेड होंगे, क्योंकि हो सकता है कि इस फिल्म में सलमान एंड ऋतिक भी देखने को मिले एज अ कैमियो रोल, यानी टाइगर जिंदा है से सलमान खान एंड वॉर मूवी से ऋतिक रोशन। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसकी लिस्ट में ऑलरेडी मेंशनड है, बट ये भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म में 1 या 2 पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सलमान खान एंड ऋतिक रोशन भी देखने को मिलेंगे। वैसे इस छोटे से टीजर में स्टोरी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, वो तो ट्रेलर आने के बाद ही पता चले। वैसे मूवी रिलीज होने वाली है 25 जनवरी 2023 को, तो आपने अगर इस मूवी का टीजर देखा है तो आपको ये टीजर कितना अच्छा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।